समाधि दी जाएगी। बाघम्बरी मठ पहुंचा महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर। महंत नरेंद्र गिरी को बाघम्बरी मठ में दी जाएगी भू समाधि। नरेंद्र गिरी को थोड़ी देर में भू समाधि दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां महंत नरेंद्र गिरी को बाघम्बरी मठ में भू समाधि दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है, जहां बाघम्बरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर पहुंचा है। महंत नरेंद्र गिरी का बाघम्बरी मठ में भू समाधि दी जाएगी कुछ ही देर में। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां बाघम्बरी मठ पहुंच गया है नरेंद्र गिरी का पार्थिव शव। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, नरेंद्र गिरी को थोड़ी देर में ही भू समाधि दी जाएगी। बाघम्बरी मठ पहुंच गया है और भू समाधि देने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाघम्बरी मठ पहुंच चुका है महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर और प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है भू समाधि देने की। सभी विधि विधान के साथ पार्थिव शरीर को समाधि दी जाएगी बाघम्बरी मठ में। ये सभी कार्यक्रम हो रहा है और बड़े स्तर पर सभी साधु समाज के संत मौजूद हैं प्रयागराज में बाघम्बरी मठ में। इस वक्त सभी मौजूद हैं। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जा रही है और सभी कार्यक्रम, मतलब सभी जो भी कार्य है, शुरू हो चुके हैं अनुष्ठान के साथ। और जिस तरह से उन्हें समाधि दी जा रही है, उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, वहां पे सभी महंत मौजूद हैं। और बाघम्बरी मठ पहुंच गया है महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर। बड़ी संख्या में लोगों का तांता लगा है श्रद्धांजलि देने के लिए। बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों से भी दूर दराज से संतों की भीड़ लगी है अंतिम दर्शन के लिए। और इस वक्त सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। भू समाधि की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दिया गया है। सभी विधि विधान के साथ सारे कार्यक्रमों को संपन्न कराया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग मौजूद है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं नितिन कुमार। तो नितिन, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं? बाघम्बरी मठ में पार्थिव शरीर को लाया गया है और अब वहाँ पर जो समाधि है वो दी जा रही है। समाधि के पहले जो प्रक्रियाएं थी वो सुबह से ही लगभग पूरी करी जा रही थी और अब से थोड़ी देर पहले स्नान कराया गया है पार्थिव शरीर को महंत नरेंद्र गिरी के। और उसके बाद अब जो आखिरी प्रक्रिया है समाधि देने की वो लगभग चल रही है। इस दौरान वहाँ पर अगर हम इस वक्त का माहौल बताएं तो बड़े पैमाने पर जो भक्त हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता लगातार वहाँ से जुड़े हुए हैं और लगातार वो सारी अपडेट हम तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो आए हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आखिरी दर्शन जो उनके महंत के हैं वो उनको उसके आखिरी दर्शन वो कर लें, वो पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन कर लें और किसी प्रकार से इस बात को अपने दिल में बैठा लें कि हाँ, अब उनके महंत जो हैं नरेंद्र गिरी वो अब उनके बीच नहीं रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो प्रक्रिया होती है समाधि देने की, उस पर कहीं ना कहीं पूरा जो तैयारी थी वो सुबह से ही चल रही थी और अब थोड़ी देर पहले अभी उसमें जो शरीर है वो रखा जाएगा, नमक रखा जाएगा उसमें और जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें रख करके समाधि को आखिरी जो रूप है वो दिया जाएगा। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, क्या बड़े बड़े राजनेता भी वहां मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुबह ही वहां पर पहुंच गए थे। इसके अलावा कई और बड़े नाम जो हैं वो इस वक्त प्रयागराज में ही मौजूद हैं और वो आखिरी जो समाधि का जो आखिरी क्षण होगा वहां तक मौजूद रहेंगे। इस वक्त मैं आपको अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त समाधि स्थल पर जो जगह बनाई गई है उसमें जो साधु संत हैं वो सब उतरे हुए हैं और आखिरी प्रक्रिया से पहले का जो पूजा पाठ होती है वो सारी वहां पर की जा रही है, सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। और इसके बाद जो
पार्थिव शरीर है वो उसमें रखा जाएगा, और उसके बाद जो अन्य चीजें होती हैं जैसे कि नमक हो गया या फिर पूजा पाठ की जो भी सामग्रियां हैं वो सारी उसमें रखी जाएंगी, और जो अंतिम विदाई है वो कहीं ना कहीं महंत नरेंद्र गिरी को इस वक्त दी जा रही है। लेकिन अगर इस वक्त हम वहां का माहौल बताएं तो एक बड़े पैमाने पर वहां पर जो साधु संत है, क्योंकि लगातार हमारे जो संवाददाता है वहां पर जुड़े हुए हैं और वो हमें सुबह से ही बता रहे हैं कि एक के बाद एक बड़े बड़े जो नाम है वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, बागंबरी मठ पहुंच रहे हैं और अंतिम दर्शन कर रहे हैं, और उनका सभी का ये प्रयास है कि अंतिम जो विदाई है उस अंतिम विदाई में भी वहां पर वो लोग साथ में जाएं उस पार्थिव शरीर की, और अंतिम विदाई में भी वो सब मौजूद रहें। और इस वक्त अगर हम देखें तो पूरा भगवामय इस वक्त बागंबरी मठ हो रखा है, क्योंकि जितने भी साधु संत हैं कई सारे जो और अन्य परिषद के जितने भी संत हैं महात्मा हैं वो सब वहां पर मौजूद हैं और सब इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। बिल्कुल नितिन, जो महंत जी थे वो हमेशा बड़े बड़े राजनेताओं से घिरे रहते थे, पक्ष हो या विपक्ष हो दोनों के नेता ही उनके जो है समर्थन में आते थे, उनके पास आते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। तो इस वक्त का माहौल कैसा है मठ का? देखिए माहौल अगर बताया जाए तो कल से ही अगर हम देखें तो कल जैसे ही ये खबर उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ को मिली वो तुरंत रात में ही उन्होंने आनन-फानन में कार्रवाई करने की और पूरी जो टीम थी एसआईटी की और पुलिस विभाग गृह विभाग सबको चेता दिया था कि जो भी आरोपी हैं वो बचने नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह ही अपने सारे कार्यक्रमों को उन्होंने जल्दी जल्दी कर करके वो सीधे प्रयागराज पहुंचे थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और इनके साथ और भी कई सारे जो बड़े नाम थे वो पहुंचे थे। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो विपक्ष से भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक महंत थे तो महंत का नाता जो था वो ऐसा नहीं था कि खाली सत्ता दल से ही था, विपक्षियों के साथ भी उनके अच्छे मेलजोल थे और इसी का नजरिया था कि अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंचे थे, उन्होंने भी अंतिम दर्शन किए थे और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है संत समाज को और उत्तर प्रदेश को। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो सरल स्वभाव था महंत नरेंद्र गिरी का, उसके बाद जो राजनीतिक दलों के जितने भी बड़े नाम थे वो सब मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने अंतिम विदाई दी, अंतिम जो जितनी भी प्रक्रिया थी उन प्रक्रियाओं में वो सब इस वक्त भी लगे हुए हैं। तो ये अपने में एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं अब महंत नरेंद्र गिरी जब उन भक्तों के बीच में नहीं है, उन लोगों के बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रयास उन सबका यही है कि अंतिम दर्शन करके उनको सही तरीके से विदाई दी जाए। लेकिन इस पूरे मामले पर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, जांच में क्या निकल कर सामने आएगा, ये गुस्सा जो है कहीं ना कहीं संत समाज के अंदर बना हुआ है, लेकिन अब इसका आगे क्या जांच में निकलता है ये देखना है हमें। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से संत समाज इस वक्त दुख में डूबा हुआ है तो उनका क्या कहना है, और इस पूरी प्रक्रिया में जो विधि विधान से पूरी प्रक्रिया हो रही है इसमें कम से कम कितना समय लग सकता है? देखिए अभी जो प्रक्रिया का मैं आपको बता दूं तो प्रक्रिया लगभग चल रही है, जहां पर ये आपका शव को जो दफनाना है वहां पर अगर मैं बताऊं तो महेंद्र नरेंद्र गिरी की जो समाधि है उसको भू समाधि है वहां पर उसको ले जाया गया है, वहां पर समाधि देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसके पहले की जो प्रक्रियाएं होती है जिसमें पूजा पाठ होती है, इस वक्त जो भी वहां पर साधु संत मौजूद हैं वो सब पूजा पाठ कर रहे हैं और नमक की जो बोरियां हैं इस वक्त उस समाधि की जो जगह है, जो स्थल है समाधि का, वहां पर उन नमक की बोरियों को रखा जा रहा है, पूजा पाठ किया जा रहा है, फूल रखा जा रहा है और संतों की एक बड़ी भीड़ है। इसके अलावा फूलों का भी वहां पर जो बरसात है वो करवाई जा रही है, जो जितने भी साधु संत वहां पर मौजूद हैं वो सब फूल माला फूल फेंक रहे हैं। और इसके अलावा पूजा पाठ के दौरान जो शंख बजाकर जिस तरह से भी पूजा पाठ करी जा सकती है वो करी जा रही है और अपने देवता को मनाने का प्रयास किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि आत्महत्या के बाद अब किसी भी तरह से महंत नरेंद्र गिरी की जो आत्मा है उसे शांति मिले और उन्हें सही तरीके से उनकी समाधि हो सके। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से समाधि स्थल पर पानी लाया जा रहा है, पानी भरा जा रहा है, तो क्या जल समाधि के रूप में समाधि बनाई जा रही है, प्रक्रिया पूरी है क्या? देखिए जल समाधि की तो बात नहीं है ऐसी कुछ भी, क्योंकि पानी अगर लाया जा रहा तो जो जगह है, जो मिट्टी है उसे कहीं ना कहीं नरम करने का प्रयास है कि नरम रहे वो मिट्टी और सही तरीके से जो समतल हो सके, ये पूरी जो समाधि है उसको समतल किया जा सके, जहां पर मिट्टी के जो टुकड़े हैं वो मोटे हैं या फिर उसको किसी भी तरह से पानी डाल के पतला किया जा सके और उसके बाद इस समाधि को सही तरीके से बनाया जा सके और उसके बाद उस पर लेप भी लगाया जाता है मिट्टी का। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इसमें कहीं ना कहीं पानी का भी इस्तेमाल होता है, तो उसी लिए पानी लाया गया है और कोशिश अब सबकी यही है कि जल्द से जल्द इस समाधि की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा किया जाए।
जी नितिन, ये जो हादसा हुआ है, जो दुखद समाचार है संत समाज के लिए, तो ये कितनी बड़ी क्षति है संत समाज के लिए? देखिए, संत समाज के लिए अगर बताया जाए तो ये काफी बड़ी दुखद स्थिति है। और अखाड़ा परिषद जिसके महंत रहे हैं नरेंद्र गिरी, कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला हुआ और तो कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि महंत जी आत्महत्या कर सकते हैं। दूसरी चीज, आनंद गिरी ने साफ तौर पर जिसका नाम सामने आया, आनंद गिरी से जिस तरह से विवाद हुआ था एक महीना पहले, और एक महीने पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी से माफी मांगते हुए भी नजर आए थे, तो उसमें भी साफ तौर पर जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने भी इस बात को कहा कि महंत नरेंद्र गिरी दूसरों को जीवन का पाठ पढ़ाते हैं तो वो आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। तो ये सवाल एक पहला बना हुआ है। दूसरी चीज, जब पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि जब हमारे पास फोन आया, हमें ये बताया गया कि महंत जी अपने कमरे में रस्सी पर लटके हुए हैं, और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर देखने को ये मिला कि महंत जी की गले की जो रस्सी थी, उस रस्सी को काट के शव को पहले ही जमीन पर रख दिया गया था। तो एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर पहले ही इस प्रक्रिया, पहले ही शव को रस्सी से काट कर जमीन पर क्यों रख दिया गया, क्यों पुलिस का इंतजार नहीं किया गया। तीसरी चीज ये है कि जो पोस्टमार्टम है, उस पोस्टमार्टम में कहीं ना कहीं काफी समय लगा है। पोस्टमार्टम एक लंबे समय बाद आज सुबह कराया गया है, तो ये भी एक सवाल है कि आखिर इतना समय पोस्टमार्टम में क्यों लग गया, क्यों पहले पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और उसके अलावा ये भी है, क्योंकि जो अन्य राजनीतिक दल हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही कि लगभग सभी विपक्षी दल, सभी राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से प्रदेश सरकार की तरफ से या फिर इस पर किसी प्रकार से ये नहीं कहा गया कि हाँ, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी। हालांकि एसआईटी गठित की गई है, देखना ये होगा कि अब जांच में क्या निकल कर सामने आता है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो माहौल है वो पूरा गमगीन है। जितने भी साधु संत वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जो अनुयायी हैं वहां पर मौजूद हैं, और वो कहीं ना कहीं इस वक्त उनकी आंखों में जो है वो पानी भरा हुआ है। वो सब ये जानते हैं कि एक बड़े नाम को, एक बड़े गुरु को उन्होंने खो दिया है, और अब उसकी कमी को कैसे पूरा किया जाएगा, ये देखना अहम है। जी बिल्कुल नितिन, जिस तरह से संत समाज के लिए क्षति है, वैसे ही राजनीतिक रूप से भी ये बड़ी क्षति है, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी एक प्रखर प्रवक्ता रहे हैं, अपनी बातों को बड़े अच्छे से पेश करते थे, हर सवाल को उठाते थे जो आम जनता नहीं उठा पाती थी या फिर राजनीतिक दल नहीं उठाते थे, तो राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। तो क्या इनकी कमी कोई पूरा कर पाएगा? देखिए, कमी पूरी होती है या नहीं होती ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जिस गद्दी पर वो सवार थे, जरूर उस गद्दी पर किसी को बैठा जरूर दिया जाएगा, लेकिन वो कमी पूरी कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज, राजनीतिक गलियारों में भी काफी कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, और अगर हम नरेंद्र गिरी की बात करें तो लगातार उन्होंने अपने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक पारा है वो गर्माया है। तीसरी अहम चीज ये है कि कई सारे राजनीतिक दल के जो प्रमुख नेता हैं वो लगातार नरेंद्र गिरी से मुलाकात करते रहे हैं, उनसे जो सुझाव है वो लेते रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते रहे हैं कि आखिर साधु संत को कैसे मनाया जाए। चौथी अहम चीज है कि प्रयागराज में जब कुंभ हुआ था तो एक बड़ा जो सपोर्ट था, एक बड़ा जो साथ था, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र गिरी की तरफ से दिया गया था, और उसमें ये प्रयास रहा है साधु संतों का कि कोशिश यही रहे कि उस कुंभ को भी अच्छे तरीके से पूरा किया जाए। तो ये सारे जो प्रमुख कदम थे महंत नरेंद्र गिरी की तरफ से उठाए जाते रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं साधु संतों के अलावा ये राजनीतिक दलों के लिए भी काफी कुछ नुकसान है। जी नितिन, जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, तो क्या आम जनता भी दर्शन कर पाएगी? देखिए, आम जनता की अगर बात करी जाए तो कल से ही लोग मौके पर पहुंच रहे थे, बागंबरी मठ पहुंच रहे थे कि अंतिम दर्शन किसी भी तरह से जो पार्थिव शरीर है उसके किए जा सके। इसके अलावा आज जब पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से जब एम्बुलेंस गुजरी है तो उसके पीछे भी लोग दौड़ते भागते हुए नजर आए हैं। तो सबका ये प्रयास है कि कुछ भी करके बस अब अंतिम दर्शन जो है वो कर लें पार्थिव शरीर के, महंत नरेंद्र गिरी के, और कोशिश यही थी सबकी कि जो आखिरी दर्शन है वो करके किसी भी तरह से जो उनकी यादें हैं यादों को सजोया जा सके। और वही इस वक्त वहां पर जो लोग मौजूद हैं वो कर रहे हैं। इसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो जब स्नान कराने के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया गया था तो उस दौरान भी वहां पर बड़ी भीड़ देखने को मिली थी, वहां पर भी साधु संतों का, भक्तों का काफी जमावड़ा था। तो सबका प्रयास यही है कि कुछ भी करके जो अंतिम दर्शन है वो कर लिए जाएं, और उसी में लगभग सभी लगे हुए हैं। और इस वक्त जो प्रक्रिया चल रही है, अगर मैं बताऊं तो इस वक्त उस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर जो साधु संत हैं वो मौजूद हैं, अलग अलग मठों से ये सब आए हुए हैं वो सब मौजूद हैं, और सबका ये प्रयास है कि कुछ भी करके इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से किया जाए, और कुछ भी करके ये जरूर उन यादों को भुलाया जाए कि महंत नरेंद्र गिरी हमसे कैसे जुड़े हुए थे, और उनकी यादों को सजाया जा सके, और सारी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। नितिन, हर एक अपडेट पे नजर बनाए रखिए। तो महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को मठ ले आया गया है और पूरे विधि विधान के साथ उनका
भू समाधि जो अंतिम कार्यक्रम है उन्हें भू समाधि दी जाएगी, उसे संपन्न कराया जा रहा है और कई लोगों की, कई संत समाज की, बड़े बड़े संत यहाँ पे मौजूद हैं बागमभरी मठ में, जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं और इस अंतिम प्रक्रिया में अपना योगदान भी देना चाहते हैं। पूरे अनुष्ठान के साथ भू समाधि देने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, पूरे विधि विधान के साथ एक एक प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। जब उनकी समाधि बनेगी उसके बाद भी यहाँ पे लोग आशीर्वाद लेने आ सकेंगे, जो उनके शिष्य हैं, जितने भी संत समाज के शिष्य हैं या फिर उनके भक्त हैं, वो यहाँ आके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रक्रिया पूरी की जा रही है पूरे विधि विधान के साथ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ लगी है, वो संत समाज हो, आम नागरिक हो, तमाम लोगों की भीड़ लगी है। इतना ही नहीं, राजनेता भी वहां पहुंचे, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी, अंतिम श्रद्धांजलि सभी देते हुए नजर आए, पक्ष हो विपक्ष हो। नरेंद्र गिरी को थोड़ी देर में ही अब भू समाधि दी जाएगी, फूल बरसाए जा रहे हैं, जमीन पूरी फूलों से सजाया जाएगा। नरेंद्र गिरी को थोड़ी ही देर में भू समाधि दी जाएगी। बागमभरी मठ पहुंच चुका है महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर, तो फूल डाले जा रहे हैं उस जमीन पे जहां पे समाधि बनाई जाएगी, जल लाया जा रहा है, पूरी शुद्धि का कार्यक्रम हो रहा है। वो जल, गंगा जल, फूल, सभी चीजों से शुद्धि करने के बाद, उसे सुगंधित करने के बाद, साथ ही वहां पे नमक का उपयोग भी करा जाएगा। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और जिस तरह से हम प्रक्रिया देख सकते हैं तस्वीरों में, सभी बड़े बड़े मठों के महंत भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, आम लोग भी बाहर जुड़े हुए हैं, ताता लगाए हुए हैं कि किसी तरह से अंतिम दर्शन मिल सके भक्तों को, क्योंकि सभी की आस्था महंत नरेंद्र गिरी के साथ बनी हुई थी और सभी इस घटना के बाद आहत हुए हैं, क्योंकि सभी की श्रद्धा जुड़ी हुई थी। और हमारे साथ इस खबर पे अयोध्या समिति के अध्यक्ष अमरनाथ जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। अमरनाथ जी, इस वक्त जो क्षति हुई है संत समाज को, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्षति जो हुई है वो संत समाज की ही नहीं हुई है, सनातन धर्म के मानने वालों के, जानने वालों की, सभी की क्षति हुई है। और एक ऐसा योग्य, प्रतिभा संपन्न, शालीन संत हमारे बीच में नहीं रहा। उसका कारण ये था कि वो राजनीति से अलग हट करके सिर्फ धर्म को लेकर के आगे चलते थे। धर्म उनके लिए सबसे पहले था, जहां आवश्यकता पड़ती थी वहां पे वो उसका विरोध भी कर देते थे अगर कोई धर्म के विरुद्ध बात होती थी। और सबसे खास बात यह है कि उन्होंने पूरे देश में 13 अखाड़े से संबंधित जितने भी मठ मंदिर और स्थान थे, उनका जीर्णोद्धार कराना, उनका उनकी देखरेख करना, और जो भू माफिया संपत्ति पे कब्जा करते थे धर्म स्थानों के, उनको वापस लाना, ये जो उन्होंने कार्य बहुत कम समय में किया। इस तरीके से आज तक किसी भी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनने के बाद किसी ने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया जिस तरीके से वो करते थे। जी, और जो भी तरह से आप उनके साथ जुड़े रहे, हम आपका भी अनुभव जानना चाहेंगे। अनुभव ही हम आपको बता रहे हैं कि वो जैसे लखनऊ आते थे तो लखनऊ आकर के हमें फोन करते थे, हम आ रहे हैं आपके यहाँ, हमारे यहाँ आकर रुकते थे, भोजन प्रसाद लेते थे, सबसे मिलते थे, बात करते थे, जो उनकी धार्मिक चीजें होती थी, मठ मंदिर की चीजें होती थी उसके बारे में चर्चा करते थे कि इसमें ये सहयोग करा दीजिए, ऐसे कर दीजिए। राम जन्मभूमि में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था राम मंदिर बनने का, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो सहयोग कर रहे थे, हर तरीके से जाते भी थे, और उनको किसी दूसरे धर्म से परहेज नहीं था। वो हाशिम अंसारी के यहाँ भी अयोध्या गए, हमने उनसे कहा, हाशिम से भी मिली, हाशिम से भी मिले, और इकबाल अंसारी से भी मिले, सबसे मिलते थे जी। हमें तो दुख इस बात का है कि अखाड़ा परिषद जो सनातन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एक अंग है जी। और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अभी तक कोई प्रक्रिया उनके देहांत पे या इस चीज पे नहीं आई, इस पे हमें बड़ी आपत्ति हो गई कि ऐसा क्या हो गया कि विश्व हिंदू परिषद ने अभी तक उनके लिए एक शब्द, किसी ने भी श्रद्धांजलि कभी नहीं बोला जी।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे साथ अमरनाथ जी अयोध्या समिति से अध्यक्ष जुड़े थे। तो अमरनाथ जी ने बताया कि किस तरह से उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है, क्या योगदान रहे उनके, सभी से हमें रूबरू कराया अमरनाथ जी ने, जो कि अयोध्या समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कि महंत नरेंद्र गिरी के निधन से काफी आहत हुए हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ ही नरेंद्र गिरी का जो पार्थिव शरीर है, आपको बता दें कि उसकी अंत्येष्टि यानी कि भू समाधि की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और पूरे विधि विधान के साथ हो रही हैं। और सारा जो साधु समाज है, संत समाज है, वो यहाँ पे एकत्र हुआ है ताकि महंत के आखिरी दर्शन कर सके। जो उनका व्यवहार था लोगों के प्रति, जिस तरह से वो प्रखरता से सभी मुद्दे उठाते थे, लोगों की बात उठाते थे, निडर थे, तो उन सभी को याद रखेंगे लोग। वहीं नरेंद्र गिरी को थोड़ी देर में ही भू समाधि दी जाएगी। पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद मठ में आ गया है, जिस तरह से पूरी शुद्धि की जा रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं सारे महंत एकत्र हैं, पानी लाया जा रहा है, नमक लाया जा रहा है, फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है, तो सभी तैयारियां चल रही हैं। मन सारे महंत एकत्रित हैं और सभी इस दुख में अभी भी डूबे हुए हैं, अभी इस दुख से निकल नहीं पाए हैं कि कितनी जल्दी महंत उन्हें छोड़ के चले गए। हालांकि उनके शिष्यों का ये कहना है कि जो महंत नरेंद्र गिरी हैं, वो सभी को जीवन जीने का पाठ पढ़ाते थे, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए, वो आत्महत्या नहीं कर सकते, इस तरह से उनके शिष्यों का कहना है। लेकिन जो ये पूरी घटना सामने आई, जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है, उससे सभी स्तब्ध है। तो जिस तरह से पूरी जांच की गई है, आपको बता दें कि पुलिस ने पूरी जांच अब अपने जिम्मे ले ली है, एसआईटी की टीम का गठन हुआ है, साथ ही पोस्टमार्टम जो कि कैमरे की निगरानी में हुआ है, और अब आगे की जांच भी तेजी से होगी। इतना ही नहीं, पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी न्याय की मांग कर रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग करी जा रही है, और इसको देखा जाएगा कि किस तरीके से और कितनी जल्द ये मामला सुलझता है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, विधि विधान के साथ प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी को बाघंबरी मठ में लाया गया उनके पार्थिव शरीर को, और कुछ ही देर में भू समाधि दी जाएगी। प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाघंबरी मठ की ये तस्वीरें हैं जहां पे समाधि बनाई जा रही है महंत नरेंद्र गिरी दास की। तो कई आम जनमानस भी पहुंचे हुए हैं, इतना ही नहीं, जब पोस्टमार्टम के बाहर गाड़ी निकली तब भी आमजन वहां मौजूद थे ताकि अंतिम दर्शन कर सके महंत के। बाघंबरी मठ के बाहर भी कई लोग मौजूद हैं, भीड़ देखने को मिल रही है। इस मौके पर सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, हालांकि पक्ष विपक्ष दोनों मांग कर रहा है कि इसकी निष्पक्ष और जल्द से जल्द जांच हो। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।